मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में एपोकलिप्स छा गया है, जिसके कारण धरती अब रहने लायक नहीं रही। इसलिए कुछ आर्किटेक्चर्स और इंजीनियर्स ने मिलकर आने वाली जनरेशन के लिए एम्बर नाम का अंडरग्राउंड सिटी तैयार किया, जब तक धरती फिर से रहने लायक ना हो जाए, और इस उम्मीद में कि आने वाली जनरेशन को धरती के बारे में कुछ भी याद ना रहे, ताकि वो तब तक वहाँ पर बने रहे जब तक उनका बॉक्स 200 साल के बाद खुलने का इनविटेशन ना दे। जिसके बाद वो बॉक्स सिटी के सबसे पहले मेयर को दिया गया और समय के साथ साथ वो कई सारे मेयर्स के हाथों से पास आउट होता गया और बाद की जनरेशन ये भूल गई कि आखिर इस बॉक्स में क्या था। और एक समय सातवां मेयर अगले मेयर को बॉक्स देने से पहले ही मर जाता है और इस मेयर ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और समय के साथ साथ लोग इस बॉक्स को भूल गए। अब वो बॉक्स 200 साल बाद खुल तो जाता है पर उसे देखने वाला कोई नहीं होता। अब कुछ और टाइम बीत जाता है और हम एम्बर सिटी को देखते हैं और इस सिटी के कुछ नियम होते हैं और सभी लोग उसको फॉलो करते हैं और इस सिटी का सारा काम डिपार्टमेंट्स में बटा होता है और सभी लोग मिलके इस सिटी को चलाते हैं और यहाँ पर किसी भी आदमी को क्या काम करना है ये उसे लॉटरी से पता चलेगा। यहाँ तक कि ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद भी किसे क्या करना है इसका फैसला भी लॉटरी से ही होता है। और यहाँ पर आधुनिक टेक्निक न होने के कारण ज्यादातर काम मैनुअली होता है और पूरी सिटी में बड़े बड़े जनरेटर्स लगे होते हैं जिनकी मदद से यहाँ पर लाइट्स चलती हैं। पर क्योंकि इस सिटी को 200 साल की कैपेसिटी पर बनाया गया था और अब 200 साल से ज्यादा गुजर गए होते हैं, अब जनरेटर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और इस शहर की पावर अब गायब होती रहती है, यानी कि यहाँ पर लाइट्स जाती रहती हैं। जिसके बाद हम डून नाम के लड़के को देखते हैं जिसका सपना ये होता है कि वो इस शहर का इलेक्ट्रिशियन बनेगा ताकि वो जनरेटर को ठीक करने में अपना योगदान दे सके, क्योंकि उसके डैड भी यही करते हैं। जिसके बाद हम लीना नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे हमेशा से एक मैसेंजर बनना था, पर जैसा कि उनका भविष्य एक लॉटरी पर निर्भर करता है, लीना को पाइप हेल्पर और डून को मैसेंजर का काम मिलता है, जो काम दोनों को ही पसंद नहीं होते। और अब डून ये सोचता है कि वो एक मैसेंजर बनने से अच्छा है कि वो एक पाइप हेल्पर बन जाए, जिससे कम से कम वो जनरेटर के पास तो रहेगा। वहीं आखिर में लीना को उसका फेवरेट जॉब मिल जाता है, जिसकी खुशी वो अपनी दादी माँ से शेयर करती है, लेकिन उसकी दादी माँ की याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी होती है क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी होती है। अब हमेशा की तरह लीना अपनी बहन को सुलाने के लिए अपने डैड की रिकॉर्डिंग सुनाती है, क्योंकि अब इनके डैड इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस डिवाइस में से हमेशा से ही एक और साउंड भी आती है जो किसी बोरो नाम के आदमी की होती है। इस आदमी ने उनके डैड के लिए एक मैसेज छोड़ा था कि उसने किसी चीज पर अपना इरादा बदल दिया है और वो उसके साथ है, बोलकर ये मैसेज कट हो जाता है। अब लीना अगले दिन अपने काम के पहले दिन की वजह से बहुत खुश होती है और अब उसे अपना पहला काम मिलता है, अपनी आंट का मैसेज डिलीवर करने का। पर जब वो अपनी आंट के पास खड़ी होती है तभी उन्हें एक आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो सिटी की डार्क प्लेस से निकलकर बाहर आया होता है जहाँ सबका जाना मना होता है। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो सभी लोगों को बताता है कि उस अननोन डार्क वाली जगह पर उसने किसी क्रिएचर को देखा है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसका साइज हमारे घरों से भी बड़ा था, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। लेकिन सिटी के रूल्स तोड़ने की वजह से यहाँ की पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है, लेकिन लीना उसके हाथ से गिरी एक क्रिएचर के टुकड़े को उठा लेती है। और अब यहाँ पर उसे समझ में आता है कि ये सिटी धीरे धीरे खोखली होती जा रही है, क्योंकि उनके पास जनरेटर्स और पाइप्स को ठीक करने के लिए कोई भी चीज नहीं होती है, इसीलिए अब उन्हें जुगाड़ से काम चलाना पड़ रहा है और हालात इतने खराब होते हैं कि इस सिस्टम को ठीक करने के चक्कर में काफी सारे लोगों की मौत हो चुकी होती है, लेकिन इस बारे में शहर में किसी को भी पता नहीं होता है। जिसमें से एक का उसे हेलमेट मिलता है जो पाइप्स को ठीक करने के चक्कर में पानी में डूबकर मारा गया, और यहाँ पर उसके पार्टनर मेंटोर के बिहेवियर से पता चलता है कि सभी अब हार मान चुके हैं इस सिस्टम से, इसीलिए सभी अपने काम से काम रखते हैं। अब उन्हें किसी बात की परवाह नहीं है कि इस प्रॉब्लम को परमानेंटली किस तरह से सॉल्व किया जाए, पर डून अब भी अपने शहर के लिए कुछ करना चाहता है और इसीलिए डून अब मेंटोर के हाथों से इस शहर का मैप ले लेता है और उसे इस बात का पता भी नहीं चलता है। और टनल को एक्सप्लोर करने के दौरान उसे एक लॉक चैम्बर मिलता है जो सरप्राइजिंगली मैप से मिटा हुआ होता है, लेकिन तभी उसे वहीं एक ऐसा टनल दिखाई देता है जहां पर पूरा अंधेरा छाया हुआ होता है और किसी को पता नहीं होता कि उसके आगे क्या है, और वो स्मार्टली दूसरी तरफ निकल जाता है। पर कुछ दूर जाने पर उसे पुल दिखाई देता है जिसकी मदद से ऊपर चढ़ने पर वो सिटी के स्टोर रूम पहुंच जाता है जो सिटी का फूड सप्लाई होता है, और वो रूम खाली के बराबर होता है, जिसका मतलब ये है कि सिटी का फूड सप्लाई कम होते जा रहा है। पर तभी यहाँ का गार्ड लूपर यहाँ पर आ जाता है और डूम पर गुस्सा कर उसे यहाँ से निकाल देता है, पर तभी पावर फिर से चली जाती है और इस बार काफी समय बाद लौटती है, जिससे लोगों में डर बनने लगता है और काफी मुश्किलों से उसे जैसे तैसे चलने लायक बनाया जाता है। अब इस सिचुएशन को समझते हुए लीना सीधा अपने घर पर जाती है जहाँ पर वो अपनी दादी और अपनी छोटी बहन से मिलती है, लेकिन घर पर उसकी दादी उसे कुछ बताने की कोशिश करती है कि घर में कोई चीज रखी है जो उसके
ग्रेट ग्रैंड डैडी ने छोड़ी थी, जो सिटी के 7th मेयर रह चुके थे, और लकीली उसे वो बॉक्स मिल जाता है। पर उस बॉक्स से उसे कुछ समझ में नहीं आता। वहीं ग्रैनी को भी इस बॉक्स के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। अब घर का काम खत्म करने के बाद उस स्टोर रूम के गार्ड लूपर का मैसेज भेजने का असाइनमेंट मिलता है, जो कि मेयर के लिए होता है। अब ये मैसेज लेकर लीना मेयर के यहाँ पर जाती है, जहाँ उसकी नजर उन तस्वीरों पर पड़ती है जो अब तक सिटी के मेयर रह चुके थे, जिनमें से एक उसके ग्रेट ग्रैंड डैडी की भी होती है, जिनके हाथ में वही बॉक्स होता है जो उसे कुछ देर पहले मिला था। अब इसका मतलब ये होता है ये बॉक्स उसके ग्रेट ग्रैंड फादर का था। अब लीना जाकर मेयर को संदेश देती है, लेकिन जब वो संदेश दे रही होती है तो उसे मेयर के ड्रॉर में कुछ कैंस दिखते हैं, जो वो तुरंत छुपाने की कोशिश करता है। अब लीना लूपर के पास दोबारा जाती है ये बताने के लिए कि उसने मेयर को संदेश दे दिया है, लेकिन लीना यहाँ पर देखती है कि लूपर किसी से सीक्रेटली बात कर रहा है कि बस उसे उसकी पड़ी है और जल्दी शहर में सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब वहीं पर हम शहर में देखते हैं कि सारी फूड सप्लाईज अब धीरे धीरे खत्म हो गई थी। अब हम देखते हैं लीना को जो डून को उस क्रिएचर का पैर दिखाती है, जिसको देखने के बाद डून को ये समझ में आ जाता है कि ये किसका पैर है। वो बताता है कि ये एक बीटल का पार्ट है, लेकिन एक बीटल इतना बड़ा कैसे हो सकता है। और जब वो इस बारे में अपने डैड से पूछता है तो उसके पास भी कोई जवाब नहीं होता, और वो अब उसे इन सब चक्रों में ना पड़ने के लिए कहते हैं, और वो शहर में चल रही घटनाओं के बारे में भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वहीं लीना इस बॉक्स के रहस्य के बारे में समझने लगती है, जिसे वो सबसे पहले डून से शेयर करती है, जिस पर कोई मार्किंग, एक अजीब सा साइन और एक लेटर मिलता है, जिन्हें जोड़ने पर उन्हें एक बड़ी खोज मिलती है कि ये एम्बर सिटी से निकलने का नक्शा है जो टनल से गुजरता है। पर लीना को यहाँ पर एक चीज अजीब लगती है कि इस मैप को गोल तरीके से ही क्यों बनाया गया। लेकिन तभी डून को अपने मैप के बारे में याद आता है और वो समझ जाता है कि इन दोनों मैप्स के कनेक्शन उस दरवाजे से जुड़े हुए हैं जहाँ पर जाना मना है, इसलिए ये दोनों अब लोगों से छुपते छुपते उस टनल की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर इन्हें कोई लंगड़ा इंसान भागते हुए नजर आता है, और पास में जाने पर उन्हें कुछ खाने के पैकेट्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर अब सवाल उठता है कि इस तरीके के महंगे फूड आइटम्स कब के खत्म हो गए हैं, तो ये फूड आइटम्स कहाँ से आए हैं, और अब तो हर तरह का खाना स्टोर रूम में कब का खत्म हो गया है। पर इससे पहले कि वो वहाँ पर कुछ समझ सके, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कोई भयानक क्रिएचर इनके पीछे पड़ जाता है, और ये दोनों उस क्रिएचर से बचते हुए उसी स्टोर रूम में आ जाते हैं। लेकिन वो क्रिएचर वहाँ पर भी पहुँच जाता है, लेकिन इसके बाद ये दोनों टनल के रास्ते से बचकर निकल जाते हैं। पर तभी लूना को डून के हेलमेट पर उसके डैड का नाम दिखता है, जिस पर डून उसे बताता है कि इसे पिछली बार पहनने वाला डूबकर मर गया था। लेकिन अब यहाँ पर लीना को ये कंफर्म हो जाता है कि हेलमेट उसके डैड का था, और अब तक सिर्फ उसे ये पता था कि उसकी मॉम उसकी छोटी बहन को जन्म देते ही मर गई थी, पर उसके डैड के मरने का कारण उसे नहीं पता था। पर अब यहाँ पर ये दोनों सोचते हैं कि सिटी में इतना पानी तो है नहीं, तो उसके डैड किस तरह से डूबकर मरे। पर तभी उसकी आंट उसके डैड के बारे में एक सीक्रेट शेयर करती है, जो उसने जानबूझकर उसे छुपा कर रखी थी, ताकि वो भी अपने डैड की तरह ही अपनी जान न गंवा दे। दरअसल उसके डैड को भी लगता था कि इस शहर के बाहर पूरी दुनिया है, इसलिए उन्होंने अपने कुछ साथियों की मदद से सिटी के उस अननोन लोकेशन पर खोदना शुरू कर देते हैं। पर बाहर निकलने से पहले ही वो किसी नदी में डूबकर मर गए, जिसके बाद वो यहाँ से घर जाने लगते हैं, और रास्ते में उसे लीजी मिलती है जो उसकी फ्रेंड होती है, और उसके पास एक खास खाने का कैन होता है, और वो कैन इस पूरे शहर में कहीं भी नहीं होता है। अब लीना उस पर काफी प्रेशर डालती है, तो लीजी उसे सच बता देती है। वो बताते हैं कि ये कैन उसे लूपर ने दिया है, और तभी वहाँ पर लूपर भी लंगड़ाते हुए आ जाता है, और लीना उसे देखकर समझ जाती है कि वो गुफा में लंगड़ाने वाला आदमी लूपर ही था, जिसके बाद उसे तुरंत एक आइडिया आता है, और वो डून के साथ तुरंत लॉक चैम्बर की तरफ जाती है, और उसका शक सही साबित होता है कि मेयर ने खुद के लिए इस शहर के सारे कैंस संभाल कर रखे हैं। वो कैंस उसने अपने लिए और अपने कुछ खास आदमी के लिए रखे होते हैं, जो सिर्फ वही खा सकते हैं, और वही शहर में सभी लोग भूखे होते हैं। पर ये दोनों वहाँ से कैंस ना उठाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं, और अब ये दोनों लीना के घर आते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब लीना अपनी छोटी बहन को अपने डैड की वॉइस सुना रही होती है, तो डून यहाँ पर ध्यान देता है कि इस वॉइस में उसके डैड के अलावा किसी और की वॉइस भी है। डून अब उसे ध्यान से सुनता है, तो उसे पता चल जाता है कि ये वॉइस उसके डैड की है, जिनका पूरा नाम होता है लॉरेंस पैरो हैरो, यानी कि उसके डैड भी लीना के डैड की खोज में शामिल थे, जिन्होंने ये बात उससे छुपा कर रखी ताकि वो भी यहाँ से निकलने के चक्कर में अपनी जान न गंवा दे। अब यहाँ पर हमें समझ में आता है कि शुरुआत से उसके डैड किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते थे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि डून इन सब चीजों में पड़े। अब डून सीधा अपने घर पर जाता है और अपने डैड से बात करता है। वो पूछता है कि आप उस अननोन डार्क वाली जगह पर कैसे पहुंचे, ताकि उसके पास
पास जो खोज की जानकारी है वो अपने डैड की खोज की जानकारी से मिला दे और शायद यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता इन्हें मिल जाए। वहीं लीना मेयर की सच्चाई पूरे शहर को बताने के लिए उसके पास जाती है। वो यहाँ पर बाकी लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन मेयर के सभी लोग उसके साथ मिले हुए थे, जिसके बाद उसके लोग लीना को मेयर के हवाले कर देते हैं। पर इसी दौरान लीना ये देखती है कि मेयर के गले में एक वैसा ही पेंडेंट है जैसा निशान उस बॉक्स पर बना है। एंड अब तुरंत लाइट भाग जाती है और लीना मौका देखकर मेयर के गले से वो पेंडेंट निकाल लेती है। पर मेयर के ऑफिसर्स लीना के पीछे पड़ जाते हैं, जो उसका पीछा करते करते डून के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके डैड उन्हें चालाकी से वहां से भगा देते हैं। और अब ये छिपते हुए उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इनके डैड खुदाई किया करते थे। और अब इनकी नजर उसी मशीन पर पड़ती है और अब इनके पास कोई चारा नहीं होता, क्योंकि बाहर मेयर के आदमी इन्हें ढूंढ रहे होते हैं और इसीलिए अब ये इस खुदाई की मशीन पर बैठ जाते हैं। एंड यहाँ पर आगे जाने के बाद ये दोनों उस मेयर वाले पेंडेंट को और बॉक्स में से निकले एक अजीब तरह के टूल को दोनों को मिलाते हैं और इससे इन्हें जनरेटर का साइन दिखाई देता है। अब ये दोनों समझ जाते हैं कि बाहर जाने का रास्ता इस जनरेटर से ही है, इसीलिए लीना मेयर के आदमी से बचते हुए अपनी बहन को जनरेटर के पास ले आती है, लेकिन इनके पास इसे अनलॉक करने का कोई तरीका नहीं होता है। पर तभी लीना को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि ये मैप गोल क्यों है, क्योंकि वो वहाँ पर जमीन पर बनी मार्किंग से मैच करता है। और इंस्ट्रक्शंस के अनुसार लॉकर के पीछे किसी क्लू को ढूंढने लगते हैं और तभी इन लॉकर्स के बीच उन्हें एक सीक्रेट चेंबर मिलता है, जहाँ कई और लॉकर्स उन्हें दिखाई देते हैं और उन लॉकर्स के पीछे बोट लिखा होता है। और जैसे ही अगले इंस्ट्रक्शन के अनुसार लीवर को घुमाते हैं, कोई मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है और लॉकर्स एक एक करके जनरेटर रूम में जाने लगते हैं। अब चेंबर में एंट्री करने के बाद उन्हें एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है, जहाँ पर एक नदी बह रही होती है और वो लॉकर एक बोट बनकर एक लॉकर से जाकर टकरा जाती है। और अब इन्हें यहाँ पर समझ में आता है कि ये बोट इन्हें सिटी से बाहर निकालने के लिए बनाई गई थी, पर पानी का स्तर कम होने के कारण बोट उस व्हील के ऊपर से नहीं निकल पा रही थी। अब मैप में ये अगला इंस्ट्रक्शन देखते हैं, जहाँ पर किसी रूम का जिक्र होता है और बाद में इन्हें समझ में आता है कि ये कंट्रोल रूम है, जिसके बाद ये उसके लॉकिंग सिस्टम को देखते हैं। और यहाँ पर इन्हें समझ में आता है कि इनका बैच दरअसल एक की है और इसकी मदद से जब वो कंट्रोल रूम में एंटर करते हैं, यहाँ पर ये देखते हैं कि इस जगह का सारा कंट्रोल रूम है और इसी की वजह से पूरा शहर चल रहा है और ये कंट्रोल ठीक इनके ऊपर होता है। अब ये अगला इंस्ट्रक्शन देखते हैं और उसके अनुसार कंट्रोल रूम को एक्टिवेट करते ही वो रुका हुआ व्हील चलने लगता है, जिससे पानी का स्तर अब धीरे धीरे बढ़ने लगता है, पर वो बीच में ही अचानक से अटक जाता है। वही मैकेनिज्म ऑन करने की वजह से और इतने प्रेशर की वजह से यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगती है, जिससे सिटी के सारे लैंप्स फूट जाते हैं एंड सारे शहर में पानी फैल जाता है, जिससे मेयर को ये लगने लगता है कि यही इस सिटी का एंड है। इसीलिए वो डर के मारे अपने फूड रूम में छिप जाता है, लेकिन वहीं पर वो अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर आ जाता है और उसे अपना शिकार बनाता है। वही डून का वर्कर साथी अभी सबको ठीक करने लगता है, जिसे वो ठीक तो कर लेता है, पर स्थिति अब ये हो जाती है कि अगर उसने व्हील को छोड़ दिया तो ये सब फिर से शुरू हो जाएगा। वहीं पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, इसीलिए और कोई चारा न होने के कारण ये यहाँ से चलने की सोचते हैं। पर जाने से पहले डून अपने साथी वर्कर को भी यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन वो इनके साथ नहीं चलता और अब ये तीनों बोट पर बैठ जाते हैं और अब बहुत बड़ी लहर की मदद से ये तीनों व्हील के ऊपर से निकल जाते हैं, पर इसमें उसका वर्कर साथी मारा जाता है। अब ये तीनों उस जगह से आगे निकलते हुए एक स्लाइड के पास पहुंच जाते हैं और अब ये उस स्लाइड से नीचे उतरते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें बहुत दूर से एक रोशनी की किरण दिखाई देती है। और जब वो उस जगह से बाहर निकलते हैं, वो अपने आप को एक नई दुनिया में पाते हैं, यानी कि वो धरती पर आ चुके होते हैं, पर चारों तरफ उन्हें अंधेरा दिखाई देता है, जिससे उन्हें लगता है कि ये जगह लाइफलेस है। पर कुछ देर बाद सूरज उगने लगता है और तब इन्हें इस दुनिया की खूबसूरती दिखाई देती है। एंड क्योंकि अब 200 साल पूरे हो चुके थे तो ये दुनिया अब रहने लायक बन चुकी थी। और अब ये दोनों बाहर निकलकर किस करते हैं, तब ये एक कीड़े को फॉलो करते हुए एक बड़े से गड्ढे को देखते हैं, जहाँ से इनका शहर बिल्कुल साफ नजर आता है। एंड अपने लोगों को बताने के लिए ये एक पत्थर के साथ एक मैसेज अपने शहर पर डाल देते हैं, जो शहर में सीधा डून के डैड को मिलता है, जिसे देखकर उनकी समझ में आ जाता है कि जो वो ना कर सके उनके बेटे ने कर दिखाया। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सिटी ऑफ एमर मूवी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।